राजस्थान की लाइफ लाइन है राजस्थान रोडवेज, नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो, जाल बिछा हुआ है, सर पर दौड़ती हैं बसें और बस में आपको बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बच्चे युवा सब मिल जाएंगे। राजस्थान में चुनाव का मौसम है और ऐसे में सफर करने वाले क्या सोचते हैं, किसकी राजनीतिक सफर आसान है किसकी मुश्किल है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम राजस्थान रोडवेज में हैं और चलती बस में हम एक एक करके जानेंगे लोगों से राय उनकी कि क्या चल रहा है। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? बिरजबाला। कहाँ से हैं? यहाँ से, चतरपुरा से। चतरपुरा। तो गांव में क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा है। अच्छा है। क्या राय है इस बार लोगों के, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। ऐसा क्यों? अब जब घर वाले करेंगे वही करेंगे ना हम भी। अच्छा, सब कहीं वही करेंगे और क्या? आपने कुछ अलग से नहीं सोचा है? नहीं, जो सब लोग सोचेंगे, परिवार सोचेगा वही चलेगा ना। अच्छा, क्या करते हैं हस्बैंड आपके परिवार में? वो फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर काम करते हैं। बीजेपी को वोट देंगे सोचा नहीं है क्यों, लेकिन सब करेंगे वही करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन जैन जी। विपिन जैन। सुनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि बस चल रही है। विपिन जी, कहाँ से हैं आप? मालपुरा। मालपुरा जी। मालपुरा में किस किस के बीच मुकाबला है? बीजेपी से कन्हैया लाल चौधरी है और कांग्रेस से घासी लाल है चौधरी। दोनों और निर्दलीय है गोपाल गुर्जर। गोपाल गुर्जर, दो जाट और एक गुर्जर। क्या है, कन्हैया लाल जी तो पहले से जीतते आ रहे हैं? दो बार से जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी यही लग रहा है भाई, उनको ही जीता है, बीजेपी है हम शुरू से ही। अरे ये क्या बात हुई, बीजेपी है शुरू से ही? हम तो आई लाइक बीजेपी। बीजेपी को ही देते हैं और उनको ही देते आएंगे। कोई वजह तो रही होगी। वजह तो यही है, आई लाइक बीजेपी, आई लाइक, मतलब और शब्द अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही लगता। अब कई चीजें बेवजह होती हैं जिसका कोई वजह नहीं होता, और वो कह रहे हैं कि बस आई लाइक। आप कहाँ से हैं? हम चोमू से। चोमू से। हाँ। चोमू से तो रामलाल शर्मा है। और कांग्रेस से? कांग्रेस से बराला मील है। बराला मील है। सिका मील। सिका मील। सिका मील है। बराला हॉस्पिटल की है। हाँ, इसलिए बराला का। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा तो मनोहर देवी शर्मा है। मनोहर देवी शर्मा। हाँ। तो शर्मा जी को वोट देंगे या किसी और? शर्मा जी को ही देंगे हम तो। शर्मा जी को देंगे। जाति का पूरा नहीं, जाति का भी है वैसे भी। जाति का थोड़ी है ये। हाँ। तो बीजेपी का है। वोट बीजेपी का है। पूरी ऐसा बसी लग रही है बीजेपी की है क्या? आपका क्या नाम है? रीडा शर्मा। वो अशोक जी कह रहे हैं कि हमने छात्रों युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और अब जीत जाएंगे तो फ्री लैपटॉप भी देंगे, आप सोचती नहीं है कुछ? वो तो पता नहीं, लेकिन बस अभी तो माइंड में तो यही कि नहीं बीजेपी आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? राधिका जी। राधिका। आप कहाँ से हैं? चोमू से। चोमू से। आपका? बीजेपी। मतलब आपने सिखा दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं सिखाया है तो। सिखाया नहीं, शुरू से बीजेपी को देते हम तो। शुरू से बीजेपी। अच्छा जी, मतलब कोई वजह नहीं समझ में आ रही है, बस बीजेपी को हम शुरू से देते आ रहे हैं, एक आदत में शुमार है। कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम जैन। शुभम कहाँ से हो? डिग्गी मालपुरा। डिग्गी मालपुरा। क्या स्थिति है वहाँ? बढ़िया स्थिति है सर, इस बार जो निर्दलीय से खड़े हुए हैं गोपाल गुर्जर, उनका माहौल अच्छा लग रहा है। गोपाल गुर्जर का? बिल्कुल। तो लोग उबे हुए हैं कांग्रेस बीजेपी से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रत्याशी सही खड़ा होता है तो सब उसी का सपोर्ट करते हैं, वो वाली चीज है। बाकी कन्हैया लाल जी ने भी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार दम गोपाल जी गुर्जर में लग रहा है, जो माहौल है चुनावी का उससे लग रहा है कि चांसेस उनके ज्यादा है। ऐसा जब कन्हैया लाल जी अच्छा काम किए हैं तो गोपाल गुर्जर में ऐसा क्या है, कुछ बताइएगा आपने? देखो सर, फर्स्टली तो मुझे पॉलिटिक्स से इतना कुछ वो है नहीं, ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वोट तो देना चाहिए। हाँ, वोट देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है माहौल वहाँ का, जो प्रचार हो रहा है, वो उनका ज्यादा मेरे को सपोर्टिव लग रहा है लोगों से। अच्छा। कि भाई गोपाल गुर्जर क्या करते हैं? गोपाल गुर्जर जी, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट जानकारी नहीं है, बस माहौल के हिसाब से। आप भी वहीं के हैं? कठुमर के। आपका नाम क्या है? भुवनेश जैन।
आप कहाँ से हैं? कठुमर से। कठुमर, कठुमर, कठुमर तो सुरक्षित सीट है। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है। संजना जाट अब कांग्रेस से और बीजेपी से रमेश खींची वहाँ का। रमेश खींची है। क्या माहौल लग रहा है वहाँ? टक्कर का काम है दोनों का। टक्कर का है। एक संजना युवा है, रमेश खींची बुजुर्ग है। ऐसी महिला है। हाँ, और रमेश खींची पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो नया कैंडिडेट है संजना जाट। वैसे हम तो बीजेपी को देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा हनुमान नाम है सर। हनुमान, कहाँ से हैं आप? मालपुरा से। मालपुरा से। आप किसको दे रहे हैं? अब देखो सर, ऐसे तो मालपुरा में काफी समय से बीजेपी रही है, जो लोकलिटी को देना चाहते हैं अब गोपाल गुजर को। अच्छा, गोपाल गुजर जो हमारे लोकल हैं, लोकल है जी, हमारी मालपुरा से आसपास के, क्योंकि मालपुरा में कोई विकास नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ सर। विधायक दो बार आपको विकास नहीं, कुछ भी मालपुरा कुछ भी नहीं किया सर। मालपुरा में कुछ नहीं किया, इस वजह से सबके पूरे मालपुरा की जनता गोपाल गुजर के साथ, गोपाल गुजर के साथ माहौल उनका ही है। उन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब एक बामशा रहे हैं वो। पिछले जितने भी कोई भी मालपुरा को जिला बनाने में, किसी बनाने में कोई वो आई है, तो उसमें उन्होंने साथ दिया है हमेशा गोपाल गुजर जी ने। तो इस वजह से आपके मालपुरा की जनता गोपाल गुजर को लाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? लेखराज। लेखराज। आप कहाँ से हैं? आई एम जयपुर से। जयपुर से कहाँ जा रहे हैं? आई एम ससुराल जा रहा हूँ। फागी। फागी जा रहे हैं? फागी में कोई रिश्तेदार है? हाँ, ससुराल है मेरा। ससुराल जा रहे हैं? अरे वाह वाह, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं? हाँ, तैयारी के साथ जा रहे हैं, बच्चे के साथ। और दो बच्चे और मिलने जा रहा हूँ मैं, दो बच्चे। अच्छा अच्छा, जयपुर में किस विधानसभा क्षेत्र में? क्या बोलते हैं, कागजी के कौन है उनका नेता है हमारा? कागजी। अच्छा, किशनपुर। हाँ, किशनपुर। किशनपुर में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुविधा अच्छी है। अब तो क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत ने बहुत सुविधा करी है गरीब लोगों के लिए। सुविधा बहुत अच्छा काम करा है उसने, मोबाइल वोबाइल हर चीज सुविधा दी है हमारे को। दिया है तो आप छोटी बच्ची को मोबाइल दे रहे हो? अब यही तो लोग कह रहे हैं कि अभी मोबाइल लेके छोटी। नहीं, और भी सुविधा है हमारे को, नौकरी भी देने की किए हैं वो, तो नौकरी भी देंगे। नौकरी भी देंगे? हाँ, कमा रहे हम चार भाई, कोई रोजगार बैठे बिना रोजगार के बैठे। चार भाई है हम, चारों भाई बिना रोजगार के हैं। बिना रोजगार के हैं, तब भी लगता है सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है बस, अब देखते आस कर रहे हैं हम भी, सरकारी ड्यूटी मिल रही है हमारे को। सरकारी ड्यूटी? क्या उम्र है आपकी? यही 41 साल। 41 साल में सरकारी नौकरी की आस है? कर रहे हैं आदमी है। आस नहीं छोड़े ना? आस नहीं छोड़े? आस नहीं छोड़े। 5 साल में मिला नहीं, अगले 5 साल में मिल जाए। कर रहे हैं कोशिश। सरकारी नौकरी में कौन सी नौकरी करेंगे? देखने ना, जो मिला है जो मिल जाए, लेकिन सरकारी करना चाहते हैं। सरकारी, प्राइवेट मजा नहीं है? प्राइवेट में तो कर चुके हम, सारा कर लिया, अब कैसे भी करके। क्या करते हैं प्राइवेट में? वही ऑफिस लाइन में। अच्छा, कितना मिल जाता है? यही 10.5, बस इतना ही। तो घर चल नहीं पाता? घर नहीं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों लड़की है। चलिए ईश्वर करे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, हम तो उम्मीद कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, कहाँ जा रहे हैं आप? मालपुरा। मालपुरा, क्या स्थिति है मालपुरा में? धर्म की राजनीति होती है और कुछ भी नहीं है। धर्म की राजनीति बस, बहुत सालों से वहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति हो रही है, एक तरफा वोट लेते हैं, विकास से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे लोगों को। कोई मतलब नहीं है विकास से, विकास चाहते नहीं है वहाँ के लोग, धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं, वो चलते पत्थरबाजी की बहुत नोटा वही है वहाँ पे, और कोई मतलब नहीं है। मैं खूब तस्वीरें देखता हूँ, हम पत्थरबाजी अक्सर हो जाया करती है। करवाते हैं, करते हैं, करवाते नेता ही करवाते हैं, नेता लोग ही करवाते हैं, आपस में जनता क्यों करेगी यार, बस हो जाता है। ये माहौल है, ये माहौल। क्या करते हैं आप? मैं वोकेशनल टीचर हूँ, व्यवसाय शिक्षक। तो शिक्षक हैं आप, तो समाज के और दीपक जलाने वालों में से हैं, तो आप समझाते नहीं लोगों को कि क्यों लड़ते हो आपस में? ये नेता तो ऐसे ही है, ये जहर है, ऐसे आसानी से खत्म नहीं होगा। जहर है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, अफीम है। अफीम ही है एक तरीके से, इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। फिर भी कोशिश तो करना आप, क्योंकि आप तो टीचर हो। क्या नाम है आपका? रूबीना। आप क्या करती हैं? मैं भी टीचर हूँ। आपको भी यही लगता है माहौल ऐसा ही है मालपुरा में? नहीं, मैं तो अभी ज्यादा जानती नहीं हूँ, बहुत कम टाइम ही हुआ है यहाँ मालपुरा में, तो इतना नहीं पता है मुझे। राजनीति के बारे में कुछ सोचा है? राजनीति में जो इन्होंने बताया वही सही है कि धर्म की राजनीति होती है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे खत्म होगा? खत्म तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा।
कैसे खत्म करेंगे, सब लोगों की मानसिकता हम नहीं बदल सकते हैं। और जो नेता लोग हैं वो लोग ही उल्टे बयान देते हैं, बस उनकी वजह से वो लड़ाई हो रही है। तो अगर आप किसी व्यवसाय में हैं, वहाँ लोग आए उन्हें समझाएंगे तभी तो ये सब खत्म होगा ना, हम एक एक करके प्रयास करेंगे तभी तो ये गंदगी खत्म होगी ना। जी हम अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करते हैं समझाएं, बाकी वो लोग हैं ऐसा है कि सब लोग ही ऐसे नहीं है, कुछ है अपवाद उनकी गलती है, वो तो समाज में हर जगह होते हैं, वो अपवाद ही है और कोई नहीं है। मालपुरा में तो शांति चाहते हैं, मालपुरा में चाहते हैं, मतलब वो विकास भी नहीं चाहते वहाँ के लोग, मैं देखा ही नहीं विकास, मैं खुद बाहर रहता हूँ, फिलहाल मालपुरा नहीं रहता, लेकिन बस कंडीशन यही है वहाँ की। कहाँ पर टीचर है आप? मैं राजसमंद आमेट के पास। उधर क्या माहौल है? उधर का इतना पता नहीं, अभी ट्रांसफर पहले निमेड़ा था चित्तौड़गढ़, अब इधर आ गया। ये है धर्म की राजनीति से भी कुछ लोग तंग हैं, कुछ बेरोजगारी से तंग हैं, मगर राजनीति का मिजाज ही ऐसा है कि लोग परेशान रहते हैं लोकतंत्र के इस पर्व में। जैसे आप टिकट दे रहे हैं सबको है? आप तो सबका मिजाज समझते होंगे, क्या नाम है आपका? सुधीर चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? निवाई। निवाई, क्या माहौल है राजस्थान में? आप तो रोज लोगों को बस में लेकर घूमते होंगे। जी हम राजनीति करते नहीं है, राजनीति पसंद नहीं है इनके नेता, राजस्थान तक देखते हैं। बिल्कुल राजस्थान तक आपका फैन हूँ मैं, ये है। चौधरी जी क्या है, नेताओं की तरह डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं कि राजनीति समझते हैं नहीं, लेकिन राजस्थान तक राजनीति पूरा देखते हैं, यानी समझते हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुझे सर। कहाँ से जा रहे हैं? मालपुरा। मालपुरा, ज्यादातर लोग मालपुरा के हैं कि बस उधर ही जा रही है। क्या माहौल है? बढ़िया, चुनाव माहौल चल रहा है आजकल। क्या मुद्दे हैं मालपुरा के? माँ में विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास हो रहा है अभी? कुछ भी लगता लग तो नहीं रहा। तो इस बार क्या सोचा है कांग्रेस बीजेपी, क्या सोचा? कांग्रेस होना चाहिए, कांग्रेस होना चाहिए, कांग्रेस होना चाहिए। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस? विकास करा दी कांग्रेस। कांग्रेस में कुछ अच्छा लगता होगा? कांग्रेस में थोड़ा ठीक ठाक रहता है, कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, ये करते हैं, ये होता। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? रोहित। क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई। अरे कुछ नहीं और पढ़ाई? पढ़ाई सब कुछ है यार, करे कुछ नहीं पढ़ाई। हाँ, किस क्लास में हो? टेंथ में। उम्र तो नहीं होगी वोट देने की? नहीं। घर वाले क्या सोच रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्यों क्या, बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी को ही देंगे। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर काम करते। क्या नाम है आपका? खुर्शीदा। कहाँ से हैं आप? शास्त्री नगर, जयपुर से। शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर से तो कौन खड़े हैं आपके यहाँ चुनाव में? राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है? ये स्थिति है, आपको एक एक करके मैं समझा रहा था, बता रहा था। बहुत सारे लोग जो हैं ये भी बात करना चाह रही हैं, जिनसे हम कोशिश करते हैं बातचीत कराने की आपसे। कहाँ जा रही हैं? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अच्छा, ससुराल जा रही हैं, मायके से लौट रही हैं क्या? जी हाँ, भाई दोज मना के जा रही हैं। भाई दोज मना के जी। आज तो त्योहार का मौसम है, क्या स्थिति है राजनीति की? बहुत अच्छी है, नेता हो तो योगी राज जैसा हो। योगी जैसा हो? यस। योगी चाहिए आपको? योगी चाहिए। राजस्थान में तो योगी है नहीं कोई, लेकिन ऐसा चाहिए हमारे को। तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है आपको? मोदी जी लेके आएंगे। मोदी जी? अच्छा, मोदी जी वाले ग्रुप से हैं आप? जी हाँ। फिर तो कुछ वजह की जरूरत नहीं है क्यों वोट देंगे, बस मोदी जी को देंगे। हाँ जी, आपकी भी यही है? हमारी नहीं है भाई। क्या है फिर आप? हम कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को देना चाह रही है? कांग्रेस शुरू से आ रही है और विकास है उनकी हमारी नजर में भाई, उन्होंने कितना क्या कुछ किया है कांग्रेस ने, जनता के लिए भी और उसके लिए भी, तो हमारे लिए तो कांग्रेस क्या है। किया है कुछ बता सकती हैं? अभी क्या बताएं आपको, बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी सरकारी अस्पताल है उनमें जो दवाइयां फ्री मिल रही है बच्चों के लिए, सबके लिए, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि क्या कर सकते हम, तो उनके लिए फ्री दवाएं मिल रही हैं, बहुत सहूलियत मिलती है उनको, सबके लिए, शिक्षा में भी है आगे, सब में है।
विकास। कहाँ के रहने वाली हैं? हम डीडवाना से। डीडवाना से, डीडवाना से तो चुनाव कौन कौन लड़ रहे हैं? अभी चेतन डूडी है और निर्दलीय से यूनुस खान है और ये जितेंद्र सिंह राठौर। पलड़ा भारी लग रहा है फिलहाल तो यूनुस खान और चेतन डूडी का पलड़ा भारी टक्कर है। हाँ, वो कांग्रेस और वो निर्दलीय से लड़ रहे हैं क्योंकि पहले यूनुस खान बीजेपी से लड़ रहे थे तो उनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया उनको, और अब निर्दलीय से लड़ रहे हैं तो यूनुस खान उन्होंने अच्छा काम किया है डीडवाना में, बहुत अच्छे मतलब विकास किया है, जनता को भी आकर्षित किया है तो टक्कर है चेतन डूडी और यूनुस खान। पुराने कामों को लोग याद, हाँ पुराने कामों को लोग याद कर रहे हैं लेकिन उनके साथ टिकट मिलता तो जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल जीत जाते हैं लेकिन नहीं दिया ना बीजेपी वालों ने टिकट, दिया ना क्यों नहीं दिया आपको लगता है? अब ये तो बीजेपी वाले जाने क्यों नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसरत है। सब जानते हैं कि बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी वाले ने इस बार किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है और ये एक वजह रही है क्योंकि उनका एक अपना एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर एक बस में आपको डिडवाना, अलवर, जयपुर, मालपुरा, चोमू हर जगह के मुसाफिर मिल जाते हैं, उन मुसाफिरों से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस पार्टी की सरकार आ रही है और क्यों आ रही है। कांग्रेस के लोग वोट देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कीम है जिसकी वजह से हम जुड़ रहे हैं। कुछ लोग निर्दलीय हैं, गोपाल गुर्जर का जैसे मालपुरा में बताया या फिर डीडवाना में यूनुस खान का, उनकी अपनी वजह हैं। बीजेपी में ज्यादातर है वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही देते हैं, हमें योगी मोदी पसंद है। तो इस तरह से राय लोगों की बटी हुई है। हम रोज आपके साथ जुड़ेंगे इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जहां पर आपके लिए जनता की राय लेकर आएंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।